2 अक्टूबर किसे याद नहीं। आज के दिन हमारे देश में एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया जो हमारे देश की आज़ादी का अग्रणी दूत बना और साथ ही उसने हमारे देश की इतिहास बदल दी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी उसने ये नहीं देखा कि कितनी लंबी अवधि से चल रहा है, बस उसके दिल में एक इच्छा थी देश को आज़ाद करने की और साथ ही हमारे देश के करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया। देश तो आज़ाद हो गया, आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी वो सभी को याद है, लेकिन क्या आपको पता है आज़ादी के बाद भी एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनके लिए अपना पराया कुछ नहीं, विरोधी दल भी उनका सम्मान करते थे। उनकी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा की उदाहरण आज भी दिया जाता है। उन्होंने हमारे देश को विश्व के नक्शे पर एक शक्ति के रूप में उभारा, हमारे देश को स्वावलंबी बनाया और कई क्षेत्रों में हमारे देश का उद्धार किया। क्या आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 2 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो अभी मुगलसराय के रूप में जाना जाता है, मैं उनका जन्म हुआ। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव उनके पिता और राम दुलारी उनकी माता थी। 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्हीं के राज्यकाल में, उन्हीं के अवधि में पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। उसको ये उम्मीद भी न थी कि उसे करारा शिकस्त मिलने वाला है जो लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में हमारे देश ने उसे दिया। उस समय तक हमारा देश बहुत क्षेत्रों में, बहुत मामलों में स्वावलंबी नहीं था। तो आज का दिन, 2 अक्टूबर का दिन, हम याद करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के कारनामों का, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें उनकी ईमानदारी, सच्चाई, बहादुरी और उनके जीवन की एक झलकी को दिखाता है कि वो कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे। देर किस बात का, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश की आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि पूरे देश का काम है। भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन पूरे जोर के साथ कहता हूँ, यदि हम इस समस्या को गंभीरता से और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं निपटाते हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल होंगे। यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। और आज मैं लाया हूं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने विश्व के नक्शे पर भारत को स्थापित किया था। तो चलिए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने पल। क्या आपको पता है उनका जब विवाह हुआ था तो उन्हें दहेज में क्या मिला था? कुछ नहीं, उन्होंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। फिर भी ससुराल वाले के कहने पे यानी जिद पे उन्होंने खादी वस्त्रों को स्वीकार किया अपने दहेज के रूप में। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वो लगभग 9 वर्ष तक जेल में रहे और पहली बार जब वो 17 साल के थे तो वो जेल गए थे, लेकिन बालिक न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में वो लगभग 2.5 वर्ष के लिए वो जेल में रहे। 1940, 41 और 45 ईस्वी, 45, 46 का है, इस ईस्वी में भी वो लगभग जेल में ही समय गुजारे थे और कुल मिला के लगभग 9 वर्ष की अवधि उन्होंने जेल में गुजारी। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो महिलाओं को कंडक्टर के रूप में लाना सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था, है ना मजेदार बात। प्रदर्शनकारियों और विरोधकर्ताओं पर लाठी चार्ज का नाम आपने जरूर सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पानी की बौछार सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? तो लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठी चार्ज के बजाय पानी के इस्तेमाल का सुझाव दिया था और उस समय से लाठी चार्ज से पहले पानी की बौछार, अब देखते ही हैं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वो जेल में थे तो उनकी पत्नी एक बार उनसे मिलने गई और वो छुपाकर 2 आम उनके लिए ले गए। ये जानकर लाल बहादुर शास्त्री बहुत दुखी हुए और उनसे नाराज हो गए। उनका मानना ये था कि एक कैदी के लिए बाहरी की कोई भी वस्तु गैरकानूनी है। लाल बहादुर शास्त्री इतने सच्चे और अपने वादे के पक्के थे कि जब उन्हें एक बार अपनी बेटी की बीमारी के कारण 15 दिनों के लिए जेल से पड़ोल पे छोड़ा गया तो उसी बीच में उनकी बेटी की मौत हो गई। बिना समय गवाए वह 15 दिन की अवधि पूरा किए बिना ही जेल वापस लौट आए, धन्य थे वो।
1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश में बहुत सी भोजन की सामग्री आयात होकर आया करती थी, जैसे कि अमेरिका से गेहूं और अन्य पदार्थ आया करता था। 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जब अनाज की भारी किल्लत हो गई तो उन्होंने हमारे देशवासियों से आग्रह किया कि वो एक दिन उपवास का प्रावधान रखे, जिससे हमारे देशवासियों के लिए अनाज का उपलब्धता बना रहे और हमें दूसरों के ऊपर आश्रित न होना पड़े। और उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, यानी हमारे किसानों को कहा कि आप भिड़ जाओ खेती में और जवानों कहा भिड़ जाओ आप बॉर्डर पे। और यही वो समय था जब हमारे देश में एक क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति उन्हीं की देन है जो आज हमारा देश गेहूं के साथ साथ बहुत सारे भोज पदार्थों में स्वावलंबी है, और यहां तक कि हम अपने मित्र देशों और अन्य देशों को भोजन निर्यात भी करते हैं। परंतु उनके जीवन से जुड़े एक घटना ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। किसी को ये नहीं पता चला ऐसा कैसे हो सकता है। युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जब उन्हें अमेरिका और रूस से दबाव मिला तो भारतवासियों को कह के गए थे कि मैं किसी भी दबाव में आए बिना अपने देश की रक्षा के लिए ही उचित समझौता करूंगा, और ये कह के वो ताशकंद के लिए निकल गए। 11 जनवरी 1966 का समय जब यह खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक आया, और आज तक यह खबर या यह गुत्थी कहें अभी तक सुलझी नहीं है, यह रहस्य बना हुआ है कि यह हार्ट अटैक था या कुछ और। जो भी कहें 18 महीने की अवधि में ही उन्होंने जो कर दिखाया बड़ बड़ों के लिए वो सोचना असंभव था। हमारे देश के लिए उन्होंने जिस कर्तव्य निष्ठा से अपने देशवासियों के लिए जो भी काम उन्होंने किया बहुत ईमानदारी से किया, और हमें गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए। तो ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती का भी है, तो इस समय हम सभी उनको याद करें, उनका मनन करें और उनके रास्ते पर चलने का प्रण लें, जिससे हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाते रहने के लिए जुड़े रहें हमसे हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।